दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस था पोको X3 Pro, जिसको लिए हुए मेरे को 1 ईयर भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, और ये फ़ोन मेरा यार डेड हो चुका है आई थिंक, क्योंकि मैं इसको ऑन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऑन भी नहीं हो रहा, जबकि मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया इससे पहले। यार मैं बहुत ज़्यादा अभी इसको यूज़ करता था, क्योंकि अभी तो मेरे पापा आ गए हैं, अभी मैं पापा के फ़ोन से ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं इस फ़ोन का भी यूज़ भी नहीं कर रहा था। तब भी यार ये डिवाइस यानी अचानक से पता नहीं क्या हुआ इसको, बस बंद हो गया, अब ऑन ही नहीं हो रहा। मैं इसको यूज़ कर रहा था, अभी यूज़ करते करते यार ये ऑन ही नहीं हो रहा, देख रहे हैं ऑन ही नहीं हो रहा। मैं दबा के रख रहा हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, चार्ज भी नहीं हो रहा। अब यार ये पोको वाले का क्या है डिवाइस, सबका डिवाइस डेड हो रहा है। मुझे लगता था सिर्फ पहले फेक वीडियोस बन रही हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, तब मुझे सही में पता चला यार पोको का डिवाइस सही में डेड हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मत लीजिएगा यार पोको का डिवाइस, बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस यही है प्रॉब्लम जो डेड हो चुका है फ़ोन। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आप लोग को बताता रहूँगा, जो आगे सर्विस सेंटर में जाके देखेंगे अब क्या होता है, क्या बोलते हैं वो। तो बस यार ये बैड न्यूज़ था मेरे लिए, आप लोग को बता दिया, तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए अगर पोको X3 Pro ख़रीदने वाले हैं तो।